Very good evening, friends. I'm once again with you with clue number 3, including 125 complete most expected MCQs. Definitely, it's my belief you are going to have very similar questions in your exam paper as well from this clue. So without making any delay, let's get started and see what we have in this video. So ये क्लून को आपको आसानी से करना है. मैं पहले आपको क्वेश्चन आपको दिखेगा, आपको आंसर खुद देना है और बाद में मैं अपना इसको पॉज करके आप अपना आंसर दीजिए. अपने स्कोर, डोंट फॉरगेट टू शेयर योर स्कोर, व्हाट एक्चुअली यू स्कोर्ड. सो देखते हैं हमारे पास क्या है. पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, हमारे पास क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट बाई अर्नेस्ट हेमिंग्वे. इनमें से कौन सा अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा नहीं लिखा है? द सन ऑल्सो राइजेस, मैन विदाउट विमेन, अ फेयरवेल टू आर्म्स, द सिल्वर कॉर्ड. ये जो फेयरवेल टू आर्म्स है, इट इज़ इन 1929 है. एक ये टाइपो कह सकते हैं, 1929 है. तो इनमें से कौन सा नहीं लिखा गया है आप कह सकते हैं हेमिंग्वे के द्वारा? तो हेमिंग्वे के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है? नाउ यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड योर माइंड कि कौन सा नहीं है. तो मैं चलता हूँ. ये सिल्वर कॉर्ड जो है, इट इज़ नॉट रिटन बाई हेमिंग्वे, रादर इट इज़ एन अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर सिडनी हॉवर, उनका एक प्ले है और इसी पे फिल्म भी बनी थी. तो ये हो गया हमारा. नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस. नीचे दिए गए सेंटेंस में आपको सही फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना है. द सेंटेंस इज वसीम वंडर्ड वेयर वहाब वॉज. तो वसीम वंडर्ड वेयर वहाब वॉज, मेटाफर, हाइपरबली, एलिटरेशन एंड ऑक्सीमोरन. आपने डब्ल्यू 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 का रिपीटेशन है तो आप समझ गए हैं, इट इज एलिट्रेशन. ओके, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन हेमिंग्वेज नॉवेल ओल्ड मैन एंड द सी. वेरी गुड. जो सेंट्रल कैरेक्टर है हेमिंग्वे के नॉवेल में, वो कौन है आपको बताना है. हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन हेमिंग्वेज नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी. इट इज सैंटियागो, मैनोलिन, मर्लिन, नन ऑफ द अबव. सो अ 77 ईयर ओल्ड मैन सैंटियागो आप कह सकते हैं. इट इज सेंटियागो, ये तो जानते ही ना, सेंटियागो. विच वर्क ऑफ हेमिंग्वे पोर्ट्रेज हिज लव ऑफ स्पेन एंड हिज पैशन फॉर बुल फाइटिंग. क्या बात है. अ फेयरवेल टू आर्म, द सन ऑल्सो राइजेज, डेथ इन द आफ्टरनून्स, फॉर हुम द बेल टॉल्स. आपके आंसर हैं, ये आपको पता करना है. तो योर आंसर, यू माइट हैव मेड अप योर माइंड. सो द करेक्ट आंसर इज डेथ इन द आफ्टरनून. दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. हाउ मेनी डेज हैज सेंटियागो पास्ट विदाउट कैचिंग अ फिश. हैड कर दो यहाँ पर, हैड पास्ट. तो आप कह सकते हैं कितने दिन का है ये. एक्चुअली सेंटियागो को अनलकीस्ट फॉर्म का सबसे चरम पे कहा गया. उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया नॉवल में, सलाओ, अ मैन कैन बी डिफीटेड बट नॉट डिस्ट्रैक्ट. बहुत अच्छी नॉवल है, पढ़ना भी चाहिए वैसे जिंदगी में. आप अंग्रेजी नहीं भी पढ़ रहे हैं, देन टू आपको ये नॉवल लाइन बाई लाइन पढ़नी चाहिए. एंड आई एम डैम श्योर कि जितने लोग अपीयर हो रहे हैं उनमें से 70% लोगों ने नॉवल नहीं पढ़ी है, आई गारंटी. केवल उस समरी पढ़ते हैं ना, तो समरी पढ़ने से कई चीज़ समरी ही रह जाती है. तो हाउ मेनी डेज हैड सैंटियागो पास्ट, आप कह सकते हैं वो 84 डेज. ठीक है, 84 डेज, मतलब वो हारता नहीं है, वो इस उम्र में भी मतलब हारता नहीं है. और ये जो सैंटियागो का ये क्या कहते हैं, एक मर्लिन पकड़ना है, 18 फिट की मर्लिन पकड़ता है मछली. और सैंटियागो एक प्रकार का उनका कोड हीरो का जो कॉन्सेप्ट है, सैंटियागो ही कोड हीरो है. कोड हीरो क्या है मुझे लिख के बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा. और अपने स्कोर को साझा करना मत भूलिएगा, आप अपने स्कोर साझा करिएगा. दरअसल क्या है, अगर आपके 125 में 125 सही हो जा रहे हैं तब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं. 120 भी सही हो जा रहे हैं तो आप कोई और चैनल देख लीजिए. मैं तो केवल उन लोगों के लिए, दो जो आर इन माई टच, उनकी कन्वीनियंस के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ. ओनली फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के लिए कर रहा हूँ, कि सो दैट इफ़ आई कैन गिव समथिंग टू माई स्टूडेंट्स, आई वुड लव टू गिव मैनी टाइम्स. तो मैं देना चाहूँगा उन्हें, और मुझे लगता है कि मैं दे सकता हूँ कुछ, तो मैं उन्हें दे रहा हूँ. और इसको आप खूब बढ़िया से करिए. और कहीं कहीं ऐसा हो जाता है यार, वो दैट्स ह्यूमन एरर. आप उसको ज़्यादा कोलाबरेट ही नहीं किया करिए, इतने प्रिसाइज आप भी नहीं होंगे. आप जब टीचर पढ़ेंगे ना, आप जब पहली बार पढ़ाओगे ना, ठीक ठाक बच्चा हो जाएगा ना. तो कईयों में से, आप में से कईयों को मैंने देखा है, इंटरव्यू मैंने कईयों को लिया है बड़े बड़े कॉलेजेस में, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में मुझे कई जगह बुलाया गया था. मेरे तो कांपने लगते हैं, बता नहीं पाते, ए और एन में अंतर नहीं बता पाते हैं, समझ रहे हैं. तो होता है, खैर दैट इज़ अनदर इशू. लेट्स मूव अहेड. वट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइम. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोइम के पहले वॉल्यूम का क्या नाम है? नॉर्थ ऑफ बोस्टन, स्टीपल बुश, अ बॉयज़ विल, अ मास्क ऑफ रीजन. तो एक कॉमेडी है, आप प्ले कह सकते हैं मास्क ऑफ रीजन ना.
आज ही इन मास्क ऑफ मर्सी दो उन्होंने लिखा है, वो दोनों मैंने बताया भी है। और इसमें से कौन सा आपका आंसर है? दिस इज अ बॉयज बिल, जो 1913 में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोइम बाई फ्रॉस्ट? फ्रॉस्ट का पोइम कौन सा नहीं है? स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ये तो है ही भाई, आपने पढ़ाई है इंटर में। हुज वुड्स आर दीज? आई थिंक आई नो। हिज हाउस इज इन द विलेज दो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल विद स्नो। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, इस तरीके का जो लाइन है, तो ये बड़ा अच्छा पोइम है। तो ये तो है उनकी। टू ट्रैम्स इन मड भी है, रोड नॉट टेकन भी है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वर्ल्ड विट मैन का है, जो लीव्स ऑफ द ग्रास में पब्लिश हुआ था। विच फ्रॉस्ट पोएम कैरीज दिस फेमस लाइन? गुड फ्रेंड्स में गुड नेवर्स, अभी आज ही बताया गया है। मोइंग का है नहीं, द ब्लैक कॉटेज का है नहीं, मेंडिंग वॉल का है, आउट आउट का नहीं है। हु सेड बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप? ये पूछने की जरूरत तो है नहीं, तो अभी तो बता दिए। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। विच वन इज अ ग्रेट पेट्रियाटिक पोइम बाई फ्रॉस्ट? भाई फ्रॉस्ट की सारी पोइम इंपॉर्टेंस आप एक बार देख के जाइएगा। और जो पेट्रियाटिक पोइम की बात करें, जो जॉन एफ कैनेडी के सामने उन्होंने रिसाइट किया था, तो ये द गिफ्ट आउटराइट है, आप इसको कह सकते हैं। और ये जो है ठीक है, और कोई दिक्कत है? गिफ्ट आउटराइट वही, मतलब ये जॉन एफ कैनेडी के सामने वहाँ के प्रेसिडेंट जो थे रिसाइट करने के लिए बुलाया गया था, वो गए थे। बर्चेज भी बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है, आप देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स इज नॉट बाई नजीम इज़िकिल? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, मैरिज है, गुड बाई पार्टी फॉर मिस पुष्पा, ये जो है ये तो है ही, ए वी है, ए वी है, ए वी। द स्ट्राइडर्स इज बाई, ये जो स्ट्राइडर्स है, ये जो स्ट्राइडर में लंबे डग भरने वाला, कदम भरने वाला, एक ही रामानुजन की पोइट्री है, काफ़ी मशहूर पोइम है उनकी। वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, जो लिटरेचर और कला जैसी चीज़ों को ध्यान नहीं देता है, मतलब केयर नहीं करता, उसे ट्रॉग्लोडाइट कहते हैं। ट्रॉग्लोडाइट प्रिमिटिव कहते हैं, बारबेरियन कहते हैं, फिलिस्टीन कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है। एंड करेक्ट आंसर इज फिलिस्टीन। ट्रॉग्लोडाइट जो गुफाओं में रहता है आदिमानव, प्रिमिटिव आदिकालीन, बारबेरियन सब आप जानते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इज कॉल्ड, खूबसूरत लड़कियों के ग्रुप को क्या कहते हैं? तो ये आपको स्पिनस्टर जो होते हैं, ये ज़्यादा उम्र की अविवाहित महिला को कहते हैं। मर्डर जो होता है, ग्रुप ऑफ क्रोच को कहते हैं, कौओं के समूह को। ग्रुप ऑफ थीव, चोरों के समूह को डेन कहते हैं। और ब्यूटीफुल गर्ल्स के समूह को बेबी कहते हैं, ठीक है। तो नाउ योर आंसर इज बेबी। वट इज़ एवरी मैन? एवरी मैन क्या है? एक एशे है, एक एपोलॉग है, और अ कॉमेडी है, अ मोरालिटी प्ले है। तो नाउ यू नो दिस, दिस इज अ मोरालिटी प्ले, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग रोड एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल? एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल का कौन लिखा था? 1927 में लिखा था, बताया गया है आपको, कई बार बताया है। ई एम फॉस्टर ने लिखा है, ये भी बताया गया है। और कितने एस्पेक्ट्स की बात कही गई है? 7 एस्पेक्ट्स की बात कही गई है। मैंने कहीं ना कहीं बताया है, स्टोरी, करेक्टर, प्लॉट, फैंटेसी, प्रोफेसी, हाँ, पैटर्न और रिदम, 7 एस्पेक्ट्स की बात हुई है। तो मैंने कई वीडियो में लिख के बताया है, तो आप समझ लेना उसको। द टर्म स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड इपोड आर एसोसिएटेड विद, तो ये स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और इपोड न जाने कितनी बार बताया, पूछा भी जाता है। ये बैलेट से तो जुड़ा नहीं है, बलाट से भी नहीं जुड़ा है, ओट से जुड़ा है, लेकिन ये पिंडारिक ओट से जुड़ा हुआ है। तो आपका आंसर तो पिंडारिक ओट होना चाहिए। पिंडारिक ओट को ही डोरियन ओट भी कहा जाता है, डोरियन ओट भी कहा जाता है, ठीक है। पिंडारिक ओट इज ऑल्सो नोन एज डोरियन ओट, ठीक है। और होरिसन ओट को लेस्बियन ओट कहा जाएगा फिर। सेलेक्ट द सिनोनिम फ्रॉम 1729 से 79 में। अवेयंस का मतलब होता है स्थगन, थोड़ी देर के लिए, टेम्पोरेरी। ओबीडियंस, सस्पेंशन, अब बता ही दिया। सर्वाइल, ह्यूमिलिटी, विनम्रता जो होती है, अति विनम्रता। लेसिट्यूड का मतलब होता है लेथर्जी, हाँ, एकदम वेरीनेस, थकावट या सुस्ती जो होती है, लेथर्जी। एक्मी का क्या मतलब होता है? बॉटम, नेडिर, बूजी, जेनिथ, क्या है बात, ला पिला दे, शाकिया, पैमाना, पैमाने के बाद। बूजी का मतलब एकदम बैकिक, मतलब नशे में धुत, समझ रहे हैं कि नहीं, बैकिक कहते हैं या बैकनीलियन कहते हैं, शॉर्ट कहते हैं, पियक्कड़। तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें एक्मी का मतलब होता है पीक, ये जो पीक होता है दिस इज कॉल्ड एक्मी, क्लाइमेक्स जिसको कहते हैं। और उसके लिए आपका इसका सिनोनिम देना है तो जेनिथ हो जाएगा, सिनोनिम ही देना था ना भाई, हाँ, सिनोनिम देना है तो जेनिथ हो जाएगा, हाँ। और इसका एंटानिम जो हो जाएगा, नेडिर हो जाएगा, बॉटम भी इसका एंटानिम हो जाएगा, एक्मी का एंटानिम नेडिर और बॉटम दोनों हो जाएगा। अमिलियोरेट का क्या मतलब होता है? अमिलियोरेट का मतलब होता है इसका एंटानिम सिनोनिम देना है, टू अपीज, शांत करना, नहीं होता है, टू मेक एंड्यूरेबल हो सकता है, ह्यूमिलिएट, अपमानित करना, टू रिलीज, आप जानिए अब क्या है, टू मेक बेटर होता है, सुधारना, टू इम्प्रूव। तो यही हमारा सही आंसर होगा। अस्वेज का मतलब होता है क्या होता है? सिनोनिम देना है, टू सॉफ्टन,
मतलब सॉफ्ट करना, टू रिड्यूस कम करना, टू एल ए मतलब शांत करना, तो एल ए का मतलब ही शांत करना, यही सही है। देखो एक मैंने बताया था एल ए, एक बताया था एल ई, तो ये एक बताया था ना, और क्या बताया था, ये बताया था, दोनों में एल ई का मतलब होता है गली, ठीक है, और एक बताया था अलाई। देखो एल ए का मतलब शांत करना, एल ई का मतलब गली, बंद गली जैसे होता है, और अलाई का मतलब होता है अकॉम्प्लिस, जो गलत काम में कोई सहयोगी होता है, हेल्पर होता है रॉन्ग डूइंग में, उसे भी अलाई कहते हैं, उसी को कोहार्ट भी बोलते हैं, कोहार्ट, ठीक है। अबेट का मतलब कम करना, सबसाइड। ऑरा, ऑरा का मतलब कि बड़ा बहुत उनके अंदर बहुत अजीब सा ऑरा है कि आदमी जाने के बाद एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है। फेम है नहीं, क्राउन है नहीं, सटल इमेने सूक्ष्म आभा जो होती है, इमेनेशन आप कह सकते हैं, एकदम ऐसी अपनी तरफ खींची चली आए, खींच ले लोगों को, एक ऐसा अट्रैक्शन हो, तो सटल इमेनेशन इज द करेक्ट आंसर। होलीनेस भी, बॉनमी का मतलब होता है क्या होता है, बॉनमी, और बॉनमी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। बॉनमी का मतलब होता है यूनिटी, टॉलरेंस, हैप्पीनेस, हार्टी प्लेजेंटनेस ऑफ मैनर। दरअसल बॉनमी का मतलब होता है जीनियलिटी, अफेबिलिटी, मिलनसार, मतलब अ फीलिंग ऑफ चीयरफुल फ्रेंडशिप, मतलब एकदम मिलनसार और एकदम बहुत ज़्यादा कहें बहुत मौजी आदमी है, जैसे कहते हैं ना बहुत मौजी आदमी है यार, तो वो जो फीलिंग होती है, मतलब अ जीनियल पर्सन हैज़ बॉनमी, तो जो जीनियल होता है, जीनियलिटी कहने का मतलब बॉनमी का जीनियलिटी हो जाएगी, तो यहाँ पर उससे मिलता जुलता है हार्टी प्लेजेंटनेस ऑफ मैनर। करोबरेट का मतलब होता है वेरीफाई करना, प्रमाणित करना, तो टू कन्फर्म हो जाएगा, टू मेक सर्टेन, असर्टेन, इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, तो कन्फर्म ही होगा, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, मेक सर्टेन या असर्टेन, टू एनश्योर, आप एग्जाम में ऐसे में कन्फ्यूज, ऐसे सवाल कन्फ्यूज करते हैं, और ऐसे सवाल को आप कई बार देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करेंगे हम, ईडियम्स और फ्रेजेस में टिक द वन विच यू थिंक इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो सबसे अच्छा अप्रोप्रिएट है। फ्रेंच लीव का मतलब जानते हैं, स्कूल के टीचर्स बहुत लेते हैं भाई, अ पर्सन हु डज नॉट टेक लीव, क्या बात है, लीव विदाउट परमिशन, गायब रहते हैं, आके साइन कर देते हैं, यही चलन में है। टेक लॉन्ग लीव, टेक अ डे ऑफ एंड हैव फन, तो ये लीव विदाउट परमिशन इज कॉल्ड फ्रेंच लीव, ठीक है। उसको हमारे यहाँ जब हम लोग थे लेक्चर, तो उसको नाम दिया गया था ऑथेंटिक नेम FL, आज CL पे नहीं है, आज FL पे, तो ऐसा भी चलता है। टू बी ऑल आईज का मतलब होता है टू बी कॉशस, सावधान होना, वॉचिंग क्लोजली एंड अल्टरनेटिवली अटेंटिवली, टू बी अमेज, टू बी नॉन प्लस्ड, क्या बात है, एकदम अस्तब्ध रह जाना, तो आपके पास टू बी ऑल आईज के लिए आपके पास ऑप्शन है, यू हैव फोर ऑप्शंस एंड योर आंसर इज दिस, वॉचिंग क्लोजली एंड अटेंटिवली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग एंड योर ऑप्शंस आर टू प्ले म्यूजिक, टू डेल टीडियसली ऑन द सेम सब्जेक्ट, टू बीट समवन, टू एक्नॉलेज, एंड योर ऑप्शन इज टू डेल टीडियसली ऑन द सेम सब्जेक्ट इज कॉल्ड हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, ठीक। टेक अप द कजल्स, टेक अप द कजल, टू टेक नोटिस, टू एक्सेप्ट अ प्रेजेंट, टू डिफेंड समवन विगरसली, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज एंड टेक अप द कजल्स के लिए यू हैव फोर ऑप्शन एंड योर करेक्ट आंसर इज टू डिफेंड और सपोर्ट समवन होता है, तो यही हमारा आंसर है। अग्रास विडो, अग्रास विडो, अ यंग विडो, अ यंग एज विडो, अ विडो हु हैज इलिसिट रिलेशन विद मैन, अ वूमन हुज हस्बैंड इज टेम्पररली अवे फ्रॉम हर, अ वर्किंग ओल्ड वूमन, तो योर ऑप्शंस आर दीज एंड यू हैव टू टेक द करेक्ट वन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज दिस, अ वूमन हुज हस्बैंड इज टेम्पररली अवे फ्रॉम हर, दिस इज कॉल्ड अग्रास विडो। नाउ इस फॉर द करेक्ट स्पेलिंग, कमिटमेंट की आपको स्पेलिंग बतानी है, कमिटमेंट के पास आपके चार ऑप्शन है, दिस 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 एंड योर करेक्ट आंसर कमिटमेंट, तो ध्यान रहे कमिटमेंट में डबल एम रहेगा लेकिन डबल टी नहीं रहेगा, तो आपको पता चल गया कि डबल एम तो रहेगा, डबल टी नहीं रहेगा, डबल एम है, डबल टी नहीं, यही सही हो गया आपका कमिटमेंट। कामेमोरेट में आपको क्या करना है, कामेमोरेट में आपको करना है डबल एम तो रहेगा, डबल एम तो रहेगा लेकिन दो बार नहीं रहेगा, एक ही बार रहेगा, तो इसमें दो बार हो गया तो इसलिए गलत हो गया। कामेमोरेट मतलब किसी की याद करना, मतलब उसको सम्मानित करने के लिए कमेमोरेशन होता ना, तो यही हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। कॉनेसर बहुत बार बताया जा चुका है, ग्रेट एक्सपर्ट ऑफ समथिंग, मर्मज्ञ होता है किसी को, चीज़ का बहुत बड़ा विशेषज्ञ होता है, तो कॉनेसर पढ़ा जाता है, कनुजियर उनुजियर नहीं पढ़ा जाता, कॉनेसर पढ़ा जाता है, और कॉनेसर के आपको बताया गया डबल एन भी रहेगा, डबल एस भी रहेगा, लास्ट में ई यू आर रहेगा, तो इसका पहला ही सही हो गया, ठीक है। एम्बेरसमेंट में डबल आर और डबल एस रहता है, ये बताया गया, हरासमेंट में केवल एक ही रहेगा,
एक ही बार रहेगा, एस एक ही बार मतलब एक ही चीज डबल रहेगा, जबकि एम्बेरसमेंट में दोनों रहेगा। एम्बेरसमेंट में डबल आर डबल एस रहेगा, डबल आर डबल एस दोनों है, तो हमारा यही सही हो जाएगा, डबल आर और डबल एस। ठीक है, टिक द आंसर विच यू बिलीव गिव्स द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड। डेक्स्ट्रस का मतलब बहुत बड़ा एक्सपर्ट होता है, लेकिन इसका अपोजिट देना है। हाँ, करेजियस, साहसी, डम, क्लमजी मतलब जो एकदम एक्सपर्ट ना हो, एकदम भद्दा ऑकवर्ड हो, तो यही हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमें एंटानिम देना है। जेन इसका मतलब एकदम पीक होता है, और इसका एंटानिम देना हमें अभी अभी हो गया, इसका एंटानिम नेडिर हो जाएगा। कलोसल का मतलब वेरी ह्यूज होता है, वीक, कमजोर होता है, ब्रेक, आप जानते ही हैं। टाइटेनिक का मतलब भी बहुत कलोसल होता है, विशाल होता है, और इसका हमें एंटानिम देना है, अर्ली हो नहीं सकता। प्यूनी का मतलब बहुत टाइनी होता है, छोटा सा, तो टाइनी एंड प्यूनी बहुत है सिनोनिम, तो हमें इसका टाइटेनिक का एंटानिम देना है। टाइटेनिक मतलब होता है जाइगेंटिक, बहुत विशाल, कलोसल, तो आप इसका एंटानिम प्यूनी हो जाएगा। ठीक है, प्रोलिक्स का मतलब क्या होता है, प्रोलिक्स का एंटानिम देना है कॉमन, अट्रैक्टिव, शॉर्ट एंड क्रिस्प, बल्जिंग आउट। तो प्रोलिक्स का मतलब क्या होता है, ये जानते ही होते तो आप सही था, लेकिन प्रोलिक्स का एंटानिम देना है, तो प्रोलिक्स का एंटानिम शॉर्ट एंड पिथी हो जाएगा। प्रोलिक्स का मतलब बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करने वाला, वर्डी जो होता है, बहुत ज़्यादा मतलब प्रपंच करे, कोई बात कहना हो तो चार बुरा घुमा के बुरा कहे, तो प्रोलिक्सिटी कहलाती हो। रेस्टिव का मतलब होता है, तो क्या होता है, रेस्टलेस होता है, रिलैक्स होता है, डिसिप्लिन होता है, ग्रेस्टिंग। रेस्टिव का मतलब होता है बेचैन, बेचैन होता है, लेकिन इसका एंटानिम देना है, तो इसका एंटानिम होगा, हो जाएगा रिलैक्स्ड। ठीक है, रेस्टिव का मतलब एकदम बेचैन होता है। ठीक है, सम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैव एरर्स एंड सम हैव नॉन, नन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। किस सेंटेंस में गलती है, द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका केम आउट टू वोट इन लार्ज नंबर्स डिस्पाइट ऑफ द थ्रेट टू देयर लाइफ। इसमें आपको करेक्ट करना है किस पार्ट में गलती है, अगर आपको नहीं लगता तो आप नो एरर। वैसे गलती वाला सोच रहा हूँ आप पे ही छोड़ दूँ, आप बताइएगा मुझे किस में गलती है, स्क्रीनशॉट लेके आप बताइएगा। ठीक है, छोड़ दे रहा हूँ, चलो बता दे रहा हूँ किस पार्ट में गलती है। तो गलती क्या है, डिस्पाइट के बाद, या तो इन स्पाइट ऑफ होता है, तो डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आएगा, यहाँ गलती है। और एवरीवन इन द रूम, एवरीवन सिंगुलर है, तो एवरीवन इन द रूम यहाँ पर वाज हो जाएगा। हाँ, सी हैड टू कम आउट, ये खुद बताइए आप, सी हैड टू कम आउट ऑफ द हाउस हरसेल्फ, मैं कमेंट में बता दूंगा, इसको खुद बताइए आप। सी हैड टू कम आउट ऑफ द हाउस हरसेल्फ एंड बाई सम मेडिसिन एज देयर वॉज नो अदर अल्टरनेटिव। चलो एक हिंट दे रहा हूँ कि पार्ट बी में गलती है, क्यों गलत है ये मुझे आपको लिख के बताना है, आप मुझे लिख के बताइएगा ये पार्ट बी में गलत है, क्या गलत है आपको ये बताना है। इफ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिस्टिक यू कैन ऑटोमेटिकली रेडिएट चेयरफुलनेस एंड हैप्पी स्माइल। तो भाई यहाँ पर व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंस नाउन है, वहाँ पर वो क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंट ना, उस एडजेक्टिव सेल्फ एडजेक्टिव हो जाएगा ना, ऑप्टिमिस्टिक और सेल्फ कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव एडजेक्टिव एंड से जुड़ेगा ना, नाउन एडजेक्टिव नहीं जुड़े ना, तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाएगा, यही गलती है। द एमिनेंट विक्टोरियन पोएट चार्ल्स स्विनबर्न कार्ल शेक्सपियर के किस प्ले को उन्होंने कहा, द मोस्ट एलिमेंटल एंड प्राइमेवल ऑफ ऑल इज प्लेज, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट। आपके पास चार ऑप्शन है, इसका आंसर खुद बताइए। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, इसको नेम टेट ने रीराइट किया था 1681 में, और उसमें हैप्पी एंडिंग कर दी थी, फूल को हटा दिया था, कार्डिलिया की शादी एडगर से करा दी थी। अब तो बताई थी आप, क्या बच्चा ही क्या है, किंग लियर। हु आर द फर्स्ट कैरेक्टर्स टू अपियर इन द प्ले मैकबेथ, प्ले मैकबेथ में पहले कौन से अपियर आते हैं, तो क्या बेन सेल बी थ्री मीट अगेन ना, बेन सेल इन थंडर लाइटिंग एंड इन रेन, तो कौन कहता है, थ्री विचेज। हु इज ग्लास्टर्स बास्टर्ड सन, ग्लास्टर के ब्लास्टर्ड बेटे का नाम क्या है, केंट, अल्बानी, एडमंड, एडगर, तो इट इज एडमंड। ठीक है, वट पैटर्न इज एम्ब्रॉयडर्ड ऑन द करची हैंड करचीफ इन ओथेलो, एथोलो में जो रुमाल है उसमें कौन सा क्या छपा हुआ है, क्या एम्ब्रॉयडरी किस चीज़ की हुई, स्ट्रॉबेरी, डॉट्स, लीव्स, टैब, तो स्ट्रॉबेरी छपे हुए हैं, आपको कई बार बताया भी गया है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज सेट इन द सिटी ऑफ एपिडारस, सिरेक्यूज, कॉरिंथ एंड एफिसस। अब आपको ये बताना है, सरल आसान सवाल है, लेकिन आपके एग्जाम में पक्का कंफ्यूज करेगा, ऐसी चीज़ों की सेटिंग वगैरह देख लेना, मेजर फॉर मेजर की सेटिंग कहाँ है, और भी प्लेज की सेटिंग कहाँ है, तो ये सब सेटिंग वगैरह देख के जाया करो भाई, आ जाएगा, चांसेस ज़्यादा है, आंसर मैं बता दे रहा हूँ। विच पोएम हैंडल्स द थीम ऑफ नोन एज द न्यू वूमन, क्या बात है, ब्रेक 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 ऑन द कूल ग्रे स्टोन, उसी, ये तो एलर्जी हो गई, द प्रिंसेस, द लोटस ईटर, एनोक हार्डन, क्या बात है, ये आपका करेक्ट आंसर है, द प्रिंसेस। प्रिंसेस में क्या है, वह उसकी जो प्रिंसेस है वो एक यूनिवर्सिटी बनाती है, किसके लिए, ताकि उसमें क्या कहते हैं, उसमें सिर्फ महिलाएं पढ़ें ना, लेकिन वो चुपके से घुस जाते हैं दो लोग बेस बदल के, तो उसके हिसाब से ये 1847 में आया था, और
इसको एक ब्लैंकोर्स नरेटिव है जिसको एक नाम दे सकते हैं, इसको ड्रामेडी कह सकते हैं। अब कहोगे सर ये क्या है भाई, एक कॉमिक है, कॉमिक वर्स है, कॉमिक ब्लैंक वर्स है, तो कॉमिक और ड्रामेटिक भी है थोड़ा सा, तो ड्रामा और कॉमेडी को मिला देते हैं तो ड्रामेडी बन जाता है, समझ नहीं कि नहीं, और रोमांस और कॉमेडी को मिला देते हैं तो रोमेडी बन जाता है, तो रोमेडी भी आप अब नए नए शब्द बनते रहेंगे तो ऐसे तो गड़बड़ा जाओगे ना, तो रोमेडी भी होता है ड्रामेडी भी, तो इसको आप ड्रामेडी कह सकते हो, ड्रामेडी इन ब्लैंक वर्स में, और ड्रामेडी हो गए तो नरेटिव हो जाएगा, वो कहने का मतलब समझ रहे कि नहीं। अगर कोई चीज़ ड्रामा हमेशा नरेटिव ही होगा, और टेनिसन साहब ने लिखा 1847 में, न्यू वुमन का कॉन्सेप्ट इसी में आया था। द अपोसल वॉज द नेम ऑफ टेनिसन चर्च यूथ ग्रुप, टेनिसन फेवरेट मैगजीन, टेनिसन सर्किल ऑफ फ्रेंड एट कॉलेज, नन ऑफ द अबव, एंड योर करेक्ट आंसर इज दिस वन, टेनिसन क्रॉसिंग द बार की। पूरा मैंने इस पोएम का एक्सप्लेन किया लाइन बाय लाइन, पोस्टमार्टम किया है, आप जाके वीडियो में देख लीजिएगा, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, और इन मेमोरियम का प्रोलॉग, और इसका क्रॉसिंग द बार का मैंने पूरा एनालिसिस किया है, लगभग 7-8 हज़ार लोगों ने देखा है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तो आप देख लीजिएगा, उसमें जरूर देख लीजिएगा, 2-4 नंबर आए क्योंकि मैंने हर लाइन में कौन सी फिगर अपनी स्पीच आती है, क्या मतलब लिटरेरी डिवाइसेज इस्तेमाल की गई हैं मैंने बता दिया है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ये टेनिसन के क्रॉसिंग द बार में कौन सी कितने हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर इन क्रॉसिंग द बार, तो 4 स्टेंजाज है। दूसरी बात, क्रॉसिंग द बार क्या सिंबलाइज करता है लिख के बताइए, मैंने पोएम पढ़ी है, मैंने बताया है पोएम को, मैंने बाइलिंगुअली एक्सप्लेन करके बताया है, बीए वाले बच्चों के लिए बताया था, आप भी उसको पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इंक्लूड्स अ कोरिक सॉन्ग, किसमें एक कोरिक सॉन्ग है, तो द लोटस ईटर, मेरियाना, द प्रिंसेस, द बेगर मेड, इट इज द लोटस ईटर, इसकी पहली लाइन क्या है, कल वाले उसमें बताया गया है आपको। विच पोएम इज बेस्ड ऑन बर्टन्स द एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली, बाई एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली पे कौन सा, ईव ऑफ सेंट मार्क, ला वेल डन समर्सी, लामिया, एंड ये 20 होना चाहिए जी, 30 नहीं होना चाहिए, समझ लो भाई थोड़ी सी, लैमिया, द फॉल ऑफ आइबेरियन अ ड्रीम, तो ये पर हमारा करेक्ट आंसर है लैमिया, ठीक है। ला वेल देम सम मर्सी वॉज मच एडमायर्ड बाई विक्टोरियन पोइट्स, मॉडर्न पोइट्स, प्री रेफलाइट्स, नन ऑफ द वेब, जो प्री रेफलाइट्स थे वो बड़ा सराहे इनकी मेडिवलिज्म को, और जो इनका ब्यूटी का कॉन्सेप्ट था उसको कहा जाता है PRB, प्री रेफलाइट ब्रदरहुड, कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1848 में आप कह सकते हैं। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ टेस्ट ऑफ द अर्बर बिल्स, टेस्ट ऑफ द अर्बर बिल्स का सब टाइटल क्या है, एन इनोसेंट वुमन, अ स्कॉर्न्ड वुमन, अ प्योर वुमन, अ शेम्ड वुमन, तो अ प्योर वुमन फेथफुली रिप्रेजेंटेड आप कह सकते हैं। हाँ, उसमें कितने फेजेज की बात हुई है, टेस्ट के बच्चे का नाम क्या है, ये सारे सवाल बनते हैं, टेस्ट के घोड़े का नाम क्या है, टेस्ट के बच्चे का नाम क्या है, और कितने फेजेज में है इसमें लाइफ को दिखाया गया है, आप उस फेजेज का नाम लिख सकते हैं, तो ये बता सकते हैं, आपको एग्जाम में आने के चांसेज हैं। विद होम डिड एंजल वॉक ऑफ इन टू सनसेट विद, इस प्ले में मतलब टेस्ट अर्बर बिल्स में किसके साथ एंजल जाता है अंत में, जब उसको फांसी उसी हो जाती है उसकी बहन को, टेस्ट को, मेरी चैंट, मर्सी चैंट, टेजी की बहन इजी, तो जो ये टेसी के सिस्टर के साथ बाद में, मतलब उसमें बताया गया कि बाद में उसकी एंजल उसके साथ लीड करेगा लाइफ को, हाँ नहीं सोचो क्या किसको लीड करेगा। एड सुटेबल प्रीफिक्स बिफोर बैलेंस, देखने में बड़ा आसान लग रहा है लेकिन इसमें बड़े बड़े दिग्गज धाराशाही हो सकते हैं, तो सुटेबल प्रीफिक्स क्या होता है, बैलेंस का क्या हो जाए, अनबैलेंस, इनबैलेंस, इम्बैलेंस, डिसबैलेंस, तो आप कहोगे सर डिसबैलेंस तो होता ही है, लेकिन डियर डिसबैलेंस गलत हो जाएगा, करेक्ट वन इज इम्बैलेंस, डिसबैलेंस कोई शब्द होता ही नहीं है, अब आप गूगल करके मुझे बताओ सर लिखा तो है, भाई गूगल गूगल नहीं, जो ऑथेंटिक डिक्शनरी होती है, और डिसबैलेंस कोई वर्ड होता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट देयर इज, वो भारत के स्पेशली उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने अपने आप कुछ शब्दों को बना दिया है जो होता ही नहीं भाई साहब, कैसे, जैसे एक शब्द बहुत चलन में है बाउंडेशन, देयर इज नो वर्ड लाइक बाउंडेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट यूपी एंड बिहार में बड़े बड़े पढ़े लिखे आला दर्जे के पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं बाउंडेशन, देखो कोई बाउंडेशन तो नहीं है, जब आप फॉर्म भरते हो उसमें एज लिमिट लिखा रहता है, एज बाउंडेशन नहीं लिखा रहता, तो ये अब गूगल में कोई लिख दिया होगा, नेट पे कौन डालता है, हम आप जैसे लोग ही डालते हैं ना, नेट पे दिखाओगे तो कहीं ना कहीं दिखा देगा, लेकिन ऐसा कोई ऑथेंटिक वर्ड नहीं है, देर इज़ नो वर्ड लाइक बाउंडेशन एंड डिसबैलेंस। हाँ, उसके लिए हम उत्तर प्रदेश और बिहार वालों का बहुत बड़ा योगदान है कि हम लोग शब्दों को, अच्छा अंग्रेजों ने जितने हमारे 3 साल में ऐसी की तैसी नहीं करी ना, हम लोगों ने 70 साल में उनकी ऐसी की तैसी कर दी, अंग्रेजी में ऐसी ऐसी शब्द बना दिए हैं कि क्या कहना ही, मतलब आप अंग्रेजी में ऐसे गाँव में ऐसी बातें बोल देते हैं, कहें मतलब ऐसी बात कर देंगे आप लोगों के, ये अंग्रेजी बोल रहे हैं कि हिंदी बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता ना, तो ऐसे बहुत सारे शब्दों का
प्रयोग जो गांव में कहते हैं, जैसे सरेंडर कर दिए तो कहेंगे गांव में कहें सिलेंडर कर दिए, एकदम सिलेंडर कर दिए, सरेंडर को सिलेंडर बोल देते हैं। हाँ, इस तरीके की चीज़ें हैं और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। हाँ, मामला को कहें सेटल, मामला सेटल हो गया तो कहें मामला सुलट गया यार, डोंट वरी, अब मामला सुलट हो गया, सुलट गया। अंग्रेज भी बेचारे सोच रहे होंगे कहाँ हम लोग फंस गए थे, हिंदुस्तान पे आ गए, मैं इंडिया से टक्कर लेने के लिए। देखो कुछ तो है बात भाई कि कुछ तो बात है कि इतने मतलब न जाने कितने बार इन्यूमरेबल इन्वेडर्स केम एंड लूटेड अस, देन टू बी स्टिल आर एबल टू मेंटेन आवर आइडेंटिटी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ था ना हमारे अंदर। तो हिंदुस्तान में कुछ चीज़ें था जो हिंदुस्तान का बुरा किया, वो हिंदुस्तान के लोगों ने किया, अंग्रेज़ों ने नहीं किया। मुझे लगता है अंग्रेज़ों तो यहाँ आए थे लूटने के लिए आए थे, तो वो तो मराडर थे ही, उनमें क्या गलती, उनका तो मतलब था हम यहाँ शासन करेंगे। तो यहाँ के लोगों ने उनकी बड़ी हेल्प करी शासन करवाने में, उसमें कई नामी गिरामी परिवार थे, नाम लूँगा तो भावनाएँ हाथ हो जाएंगी। तो आप कहेंगे सर आप किस विचारधारा के हैं, आप लेफ्टिस्ट हैं कि राइटिस्ट हैं? तो भैया मैं कौन राइटिस्ट नहीं, ना राइटिस्ट हूँ ना लेफ्टिस्ट हूँ, मैं ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच का आदमी। तो इसका हो जाएगा इम्बैलेंस हो जाएगा साहब, हु इज द सर्वेंट गर्ल दैट रियली लव्स इन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, टेशा सिम्पसन, फैनी रॉबिन, बेथसीबा एबरडीन, एथेलबर्टा, इट इज फैनी रॉबिन। ठीक है, उसे ये फैनी रॉबिन होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट नेम डिड हार्डी यूज फॉर द एरिया इन द साउथ इंग्लैंड फॉर मोस्ट ऑफ हिज नॉवेल्स, बताने की जरूरत नहीं है। ससेक्स, वेसेक्स, टेक्सास, एसेक्स। तो ये कुछ सवाल उनके लिए भी होते हैं ना, जो पहले कभी पढ़े नहीं रहते, अचानक कहते हैं बस फॉर्म डालने के बाद लगता है बस नौकरी मिल ही जाएगी, हम ही को मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। तो ऐसे लोगों को तो मिलना ही मिलना उन्हीं को जो पढ़ते हैं भाई ईमानदारी से, जो शिद्दत से पढ़ते हैं, और पढ़ने के भी कई तरीके हैं। हाँ, कुछ लोग मतलब वैसे भी हैं जिनका कभी कुछ अब नहीं कहूँगा, नहीं कहेंगे सर आप भी क्या। कुछ हमारे शेर अली भाई मित्र हैं, कहते हैं कि सर कैसे लोगों को आप महत्व दे देते हैं। तो शेर अली भाई थैंक यू यार, आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दरअसल मैं भी अच्छे स्टूडेंट से मिलना चाहता हूँ। हाँ, मिलो कभी फुर्सत में तो कॉफ़ी पीते हैं यहाँ पर आके इलाहाबाद के लक्ष्मी चौराहे में। Who said the following? The greatness of a poet lies in his powerful and beautiful application of ideas to life. ऐसा किसने कहा है भाई? Application of ideas to life जो है ये, अब ऐसे इसी से पकड़ लिए, application of ideas to life की बात कौन किए हैं? ये किए हैं अर्नोल्ड किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और ये सवाल रिपीटेड है शायद, इसको पहले भी बताया गया है। What title does Hardy give Eustacia in Return of the Native में? Eustacia को कौन सा title Hardy देते हैं? Queen of the Night, Lady of Passion, Empress of Despair and it is Queen of Night, उसे Queen of Night की वो देते हैं आप कह सकते हैं। Happiness is but an occasional episode in general drama of fame. This line occurs in which of the following novels? Tasty Arbor Bills, The Mayor of Casterbridge, The Return of Native, Jude the Obscure. So your correct answer is The Mayor of Casterbridge, The Life and Death of a Man of Character, इसका सब टाइटल है, ये भी याद रख लीजिएगा 1874 में। The term Grand Style was coined by, Grand Style coin किया गया था किसने? Matthew Arnold, Coleridge, Milton, Shakespeare, तो it was coined by Matthew Arnold. Matthew Arnold was basically a moralist, royalist, classicist, Aristotelian, तो आप कह सकते हैं वो classicist थे। A naked singles of the world, the line from Dower Beach has which figure of speech? तो singles जो हैं, कंकड़ जो हैं, naked हैं, नंगे हैं, तो आप उनको मनुष्य जैसा दिखा रहे हैं, तो metaphor, alliteration, oxymoron और it is personification. Arnold said about a poet, with him is born a real poetry, who is the poet referred to? किसको कहा है अर्नोल्ड ने कि उनके साथ ही हमारा असली पोइट्री का जन्म होता है? तो फादर ऑफ पोइट्री, चाशर, उन्होंने चाशर के लिए ऐसा कहा है। हियरिंग द डेथ ऑफ अर्नोल्ड इन एन एक्सीडेंट, अ सर्टेन क्रिटिक रिमार्क, एक क्रिटिक ने कहा, देयर गोज आर ग्रेटेस्ट स्कॉलर, देयर गोज आर लॉस्ट क्रीक, देयर गोज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ आर जनरेशन, देयर गोज आर स्कॉलर जिप्सी। क्या कहा था उस क्रिटिक ने? उस क्रिटिक ने कहा था देयर गोज आर लॉस्ट क्रीक। हुई ऑजिमेंडियस, ऑजिमेंडियस एक राजा था जो बहुत घमंडी था, वो कहता, खुद को कहता था, क्या कहता था, मतलब
आई एम किंग ऑफ किंग्स, माई नेम इज ऑजिमेंडियस, आई एम किंग ऑफ किंग्स, उसमें हुबरी का कॉन्सेप्ट आ गया। तो हुबरी जिसको आप प्राइड कहते हैं, हुबरिस नहीं है, हुबरी ना, हुबरी। तो ये क्या है, एक मूर्तिकार था, एक ट्रेवलर था, असेली थी, शेली खुद थे, नहीं भाई, किंग रैमसेस सेकंड की बात हुई है यहाँ पर, ऑजिमेंडियस वही है। और ये एक शेली का सोनेट है जो 1818 में आया था, पब्लिश हुआ था द एग्जामिनर जो वीकली था, लेहंट के द्वारा जो द एग्जामिनर वीकली था उसमें पब्लिश हुआ था 1818 में। एक सोनेट है शेली का, इसकी पहली लाइन ही है, आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, कई बार बताया हूँ एक बार फिर, आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। और माई नेम, इसका वो फेमस लाइन, माई नेम इज ऑजिमेंडियस किंग ऑफ किंग्स। तो इस तरीके से वो थोड़ा सा आत्मश्लाघा में वो कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलीज अनफिनिश्ड वर्क, तो सेली की अनफिनिश्ड वर्क कौन सी है भाई, टेरजारेमा में लिखी गई थी, ये भी हिंट दे दिया, बताया गया, हेलास तो है नहीं, मास्क ऑफ एनार्की भी नहीं है, चिंची भी नहीं है, चिंची क्या है बता, सेंसी नहीं पढ़ा जाता है, इसका प्रोनंसिएशन चिंची है, नहीं तो इसको सेंसी पढ़ने लगूँ। तो ये चिंची का कॉन्सेप्ट जो इससे कॉन्सेप्ट लिया था, किन्होंने लिया था, एंटोनिन अर्टॉड ने लिया था, किसका लिया था, थिएटर ऑफ क्रुएल्टी का, कई बार पूरे वीडियोज में कई बार बताया गया होगा। लेकिन द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ जो है उनकी अनफिनिश्ड वर्क थी, आप कह सकते हैं 1822 में ही थी। टेरजारेमा में लिखा गया, जिसको आप टेरजारेमा पढ़ते हो, आप पढ़िए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो पढ़ता हूँ बता दे रहा हूँ। हु सेड सेली इज अ ब्यूटीफुल एंड इनइफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वाइड इज लूमिनस विंग्स इन वेन, ऐसा किसने कहा है, ऐसा कहने का श्रेय जाता है मैथ्यू अर्नल्ड को। मतलब हु सेड सेली, सेली के बारे में ऐसा किसने कहा था, मैथ्यू अर्नल्ड ने कहा था। दरअसल माइंड इतना, माइंड इज प्री ऑक्यूपाइड विद सो मेनी थिंग्स कि कभी कभी बोल कुछ रहा होता हूँ, टिक कहीं और पे लगा देता हूँ, तो आप समझ जाया करो, बाकी ना समझो हमारी क्या मर्जी है। हु सेड कीट्स वॉज ग्रीक, किसने कहा कीट्स ग्रीक था भाई, तो ये और कौन कह सकता है भाई, शेली ने कहा है। जो गैरजरी इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन, इसके सारे कैरेक्टर्स, इसके सारे इंपॉर्टेंट बातें जरूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से दो सवाल फिक्स है, यहाँ से एक दो सवाल फिक्स है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस किस में पब्लिश हुआ था, किस आप कह सकते हैं मैगजीन या किस जर्नल में पब्लिश हुआ था, आप इसको बताइएगा मुझे। वो जो गैरजरी, जो पिप का जीजा है, मतलब उसका ब्रदर इन लॉ है, तो आप क्या कह सकते हो, वो ब्लैक स्मिथ है भाई, क्रिमिनल नहीं है। हार्ड टाइम्स इज अ स्केथिंग क्रिटिसिज्म ऑफ, वो यूटिलिटेरियनिज्म का क्रिटिसिज्म है, इसको कई बार बताया गया है, लेकिन ये सवाल बनने के चांसेस पूरे हैं इसलिए बताना पड़ता है था। एस्टेला इज इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन में, एस्टेला कौन है, मैकबेथ की बेटी है, पिप का पहला प्यार है, बेंटली ड्रमर की वाइफ भी है, अब भाई इसमें तो सब है, तो आपका आंसर सब हो गया। व्हाट इज द नेम ऑफ डेविड कॉपरफील्ड साउथ, डेविड कॉपरफील्ड के घर का नाम क्या है, लाइमस्टोन एवियरी, यारमाउथ, बोट हाउस, सलेम हाउस, सलेम हाउस क्या है लिख के बताइएगा, बाउंडर ब्लंडर स्टोर रुकरी है उसका, उनके घर का नाम आप कह सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स इन डेविड कॉपरफील्ड मिस्टर मिकावर थ्रोन इन द जेल फॉर हिज डेथ, टू टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा। हु ऑफर्स द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ हॉर्स इन हार्ड टाइम्स, हार्ड टाइम्स में करेक्ट डेफिनेशन कौन देता है, जो मिस्टर ग्रेडग्राइंड रहता है, जो एजुकेटर रहता है, वो जो रहता है एकदम स्ट्रिक्ट यूटिलिटेरियन रहता है, तो वो सीसी से पूछता है, सीसी जो जो सर्कस गर्ल रहती है, सीसी से पूछता है कि उस गर्ल नंबर 20 करके संबोधित करता है, बताओ, तो बता नहीं पाती बेचारी, उसको ह्यूमिलिएट करता है। फिर ये जो बिटजर रहता है, उसका जो क्लासमेट रहता है, तो वो बताता है, कैसे बताता है, क्वाड्रिपेड, ग्रैमनिवरस, 40 टीथ, नेमली 24 ग्राइंडर्स, इस प्रकार से पूरा, और पूरा हार्स का डेफिनेशन देता है, तो इट्स बिटजर, ठीक है। फ्रॉम विच पोएम ऑफ इट्स इज द लाइन, वंस मोर द स्टॉर्म इज हाउलिंग, क्या बात है, पहली लाइन है, टुवर्ड्स ब्रेक ऑफ डे द स्टोलन चाइल्ड अंडर बेन बुलबेन इट्स अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, तो ये लाइन किसकी है, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर की है, ठीक है। अटावा रिमा में लिखा गया था, उन्होंने अपनी बेटी एनी के लिए लिखा था, हाँ, और इस अटावा रिमा आपको बताया जा चुका है, जिसको आप रिमा पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन विच ईयर डब्ल्यू वी एट्स गॉट नोबेल प्राइज, तो 1923 में मिला था, कोई शक नहीं है इसमें। कॉकटाउन इज अ लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ विच मेजर ब्रिटिश सिटी, ये उनके चार्ल्स डिकेंस के नॉवल से जुड़ा हुआ है, तो मैनचेस्टर का है कॉकटाउन, मतलब चार्ल्स डिकेंस अगर आए, और यमुना पतोपा, विलियम फॉकनर, बेसेक्स, हार्डी, ऐसे मिलाने के लिए भी आ सकता है प्लेस का। डब्ल्यू बी एट्स यूज द फ्रेज द आर्टिफिस ऑफ एटर्निटी इन विच फेम, किस पोएम में उन्होंने इस्तेमाल किया इसका फ्रेज, सेलिंग टू बाइजेंटियम, बाइजेंटियम द सेकंड कमिंग लेड एंड स्वान, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, सेलिंग टू बाइजेंटियम है, बाइजेंटियम, तो आप चाहिएगा सेलिंग टू बाइजेंटियम पे, ठीक है।
द सेकेंड सीरीज ऑफ एसेज ऑफ इलिया बाय लैम वॉज पब्लिश्ड इन, तो पहला सीरीज 1823 में आया था, सेकेंड सीरीज 1833 में आया था, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों आपको बता दिए गए। हु कॉल लैम एसेज पार एक्सेलेंस, ऐसा किसने कहा, हाँ प्रिंस ऑफ एसेज भी इन्हें कहा जाता है, हाँ तो ये ह्यू वॉकर ने कहा है और उन्होंने ही शायद इनको ये भी कहा है। द वर्ल्ड ऑफ डब्ल्यू वी एड्स इज दैट ऑफ फैंटास्मगोरिया, फैंटास्मगोरिया तो इसमें है नहीं तो मैजिक कह सकते हैं, फैंटास्मगोरिया क्या है मुझे लिख के बताइएगा, फैंटास्मगोरिया ठीक है ये लिख के बताइएगा। जॉन वुडविल इज अ प्ले बाय वर्ड्स प्ले है किसके, ये जॉन वुडविल एक प्ले है किसके द्वारा है, चार्ल्स लैम के द्वारा है, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्स एसेज अपीयर्ड इन द पब्लिक लेजर द लंडन मैगजीन द रैम्बलर नन इट वॉज अपीयर्ड इन इट अपीयर्ड इन द लंडन मैगजीन। हु कॉल्ड कूली, कूली जो मतलब मुल्क राजानंद का वो नॉवल है, अ कैरेक्टर नॉवल, किसने किसी कैरेक्टर नॉवल का, ग्राहम ग्रीन ने कहा, एडविन मेयर ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, तो इसको एडविन मेयर ने कहा है, ये आपको फैक्चुअल सवाल है, ये आपको रटना पड़ेगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं चलेगा आपको। मुल्क राजानंद फादर वॉज ए क्राफ्ट मैन बट लेटर ही ज्वाइंट, बाद में उन्होंने क्या ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी क्या, ऐसा सही है, यही सही है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। आनंद जाल सोनू ने इंडिया, आनंद को इंडिया का शेक्सपियर, मिल्टन, थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस, इनको इंडिया का चार्ल्स डिकेंस कहा जाता है, मुल्क राज आनंद को। हु रूट अ फेवरेबल रिव्यू ऑफ आनंद नॉवल द शोर्ड एंड द सिकल के लिए, एक फेवरेबल मतलब रिव्यू किसने लिखा था, उन वो जॉर्ज ऑरवेल से दोस्ती थी इनकी, आप जानते हैं जॉर्ज ऑरवेल ने ही लिखा था। इन द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन हुम डज द होली मैन रिफर टू, होली मैन का सम किसको रिफर करता है, पोएट्स फादर, पोएट्स फ्रेंड, अ विलेज प्रीस्ट, द पोएट हिमसेल्फ, जब बिच्छू काट लेता है, डंक मार देता है तो जैसे झाड़ फूक करने वाले नहीं आते, उसी को होली मैन रिफर किया गया है, तो यहाँ पर क्या है वो पोएट्स नहीं, अ विलेज प्रीस्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। द लाइन द सी इज गैरुलस टुडे अकर्स इन द पोएम, ये कमलादास की लाइन है, किसमें आती है, द सनशाइन कैट, हॉट नून इन मलाबार, इट इज़ द इन्विटेशन, ये इन्विटेशन की लाइन है, कमलादास आप कह सकते हैं। माई मदर एट 60 इज अ पोइम बाई, आपको पता है इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कमलादास हैं। द फेमस कैरेक्टर कर्नल सुटपेन अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल, किस नॉवल में कर्नल सुटपेन अपीयर होते हैं ये आपको बताना है, साउंड एंड फ्यूरी, एब्सलम एंड एब्सलम, द वाइट सा वाइट पाम्स, एज आई ले डाइंग, और कर्नल सुटपेन अपीयर्स इन एब्सलम एंड एब्सलम, ठीक है, सॉरी क्या हो गया। हु इज द ओल्डेस्ट सन ऑफ बंडरिन फैमिली इन द नॉवल एज आई ले डाइंग, तो ये जो उसमें वो कारपेंटर भी रहता है, बहुत स्किल्ड कारपेंटर और रहता है वो, और वो एक कॉफिन भी बनाता है एडी के लिए, अब तो आप इशारा दे ही दिया है, सारे कैरेक्टर तो होंगे लेकिन वो, अरे इतना मोटा किस हो गया भाई, रुक जाओ यार, रुक जाओ भाई, तो इट इज़ कैश, ठीक है, ये कैश जो है वो क्या रहता है, एक स्किल्ड कारपेंटर भी रहता है, तो वो एल्डेस्ट सन भी रहता है फैमिली का। फॉकनर वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, देखो नोबेल प्राइज उन्होंने रिसीव 1950 में किया था लेकिन अवार्ड उन्हें 1949 के लिए किया है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, अब आयोग इसको कुछ भी मान सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ दोनों, इसे 49 ही मानिए आप, क्योंकि अवार्ड उनको 1949 में मिला था लेकिन उन्होंने रिसीव 1950 में किया था, क्योंकि उस साल कुछ उनको ये जो अल्फ्रेड नोबेल की जो वसीयत थी उसके अकॉर्डिंग कोई पैरामीटर फुलफिल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो नहीं दिया गया था, तो नोबेल प्राइज फॉर 1949 बट रिसीव्ड इन 1950, और ये इनको पुलिचर प्राइज भी दो बार मिला, 1955 में मिला और 1963 में मिला, इनको नेशनल अवार्ड भी मिला 1951 में मिला और 1955 में मिला, ये सब आप याद कर लीजिएगा, फैक्ट बताया गया है। व्हाट वाज द ओरिजिनली थॉट टाइटल ऑफ द नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी बीइंग द डिग्निटी ऑफ मैन द सी विद इन द साइलेंट सी, क्या बात है, तो ओरिजिनल टाइटल जो था ओल्ड मैन एंड सी का वो था द सी इज बीइंग, द सी इज बीइंग वाज द ओरिजिनल टाइटल, ठीक है। A man can be destroyed but not defeated, the line occurs in which of the following novels, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, The Old Man and the Sea. How deep was the line on which the male Merlin bit, The Old Man and the Sea में जो लाइन वो लेती है वो कितना गहरा था, जिसको कितना गहरा गया था वो, तो आप कह सकते हैं वो 200 fathoms, 200 fathoms, 100 fathoms, 300, 400, it was 100 fathoms, ठीक है।
अच्छा एग्जाम में जब से आपको सवाल ना आए तो तुक्का मारना होता, तो मेरा टेक्निक था कि मैं सी पे मारता था, तो मुझे तो पता नहीं था कि सी पे मैं क्यों मारता था, लेकिन ऐसी चीज़ों में मेरा सही हो जाता था। तो अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा, देश के बहुत बड़े एजुकेटर हैं जिनका नाम है विकास दिव्य कीर्ति, वो IAS वालों को पढ़ाते हैं, PCS वालों को, सिविल को पढ़ाते हैं, तो मैंने देखा तो वो एक दिन ऐसा बता रहे थे तो मुझे लगा कि यार ये तो मैं भी करता था, तो मैंने उनको देखा तो मुझे लगा, हालांकि उन्होंने किडिंगली कहा था, हंसी में कह रहे थे अपने बच्चों के साथ, लेकिन मैंने उनको देखा तो मुझे अपनी याद आ गई कि यार मैं भी ये सोचता था कि ए वाला जब कोई आंसर नहीं आ रहा तो जो पेपर सेटर होता कहेगा पहला आंसर कैसे हो सकता है, ए तो नहीं देगा, और बी इसलिए नहीं देता कि ए तो पहला लगाएंगे नहीं, बी लगा देंगे, और इसलिए मैं सी पे ज़्यादा मारता था। अब उन्होंने उनके अकॉर्डिंग क्या लॉजिक था मुझे नहीं पता है, हालांकि कोई लॉजिक नहीं होता, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आप एनालिसिस करिए ज़्यादातर, अगर आप किसी OMR सीट को हल करिए देखिए ज़्यादातर उसमें आंसर सी ही सही रहते हैं, ये तरीका है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं सही हूँ। वर्ल्ड पर्सनल ट्रेजेडी फॉर फ्रॉस्ट अकर्ड इन 1938, ये आज ही पढ़ाया है, ये भी गलत हो जाएगा तो गड़बड़ है। तो पर्सनल ट्रेजेडी ये थी कि उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, इसके 2 साल बाद उनके बेटे ने सुसाइड भी कर लिया था। What is the literary form of the poem Mending Walls? किस में लिखा गया? Sonnet, blank verse, limerick, haiku. तो it is in blank verse. एक मिनट. ओके डियर, सो Mending Wall by Robert Frost is sonnet, blank verse, limerick, haiku. तो आपको बता दिया गया blank verse में लिखा गया है, सोनेट नहीं है, सोनेट से 3 गुना लंबा है। Who speaks to the poet in By Blue Ontario Shore by Whitman? कौन बोलता है उसमें? ये एक phantom is a speaks a phantom. ठीक है, इन द पोएम द स्लीपर्स हु टेल्स विटमैन द स्टोरी ऑफ द इंडियन वेमेन, उनकी माँ, हिज मदर आप कह सकते हैं। हाउ मेनी एडिशंस ऑफ लीव्स ऑफ द ग्रास डिड विटमैन पब्लिश? 1, 3, 6, 8 एंड योर आंसर इज 8। ठीक है, योर आंसर इज 8। अ ट्रॉल इज वन हु, एक ट्रॉल जो होते हैं कि वो ट्रोल हो रहे हैं आजकल ना, वो ट्रोल हो रहे हैं फेसबुक पे और ट्विटर पे, तो अभी मामला जैसे हो जाता है, तो ये सोच, ये थोड़ा सा सोच की स्पेलिंग दूसरी होनी चाहिए, मतलब समझ जाया करो यार, ये टाइपिंग हो जाती है। इट सोज डिस्कॉर्ड ऑन द इंटरनेट बाई स्टार्टिंग आर्ग्यूमेंट्स और अपसेटिंग पीपल, तो इज़ अ वेरी फॉन्ड ऑफ वॉकिंग, कैन स्पीक विद द राइट एक्सेंट, ड्रेसअप, दिस इज अ वेरी फैशनेबली टू, तो ये हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ये सोच वाला, ये वाला सोच होगा, समझ जाओ आप। ठीक है, तो मतलब अ ट्रॉल इज वन हु शोज डिस्कॉर्ड ऑन द इंटरनेट बाई स्टार्टिंग आर्ग्यूमेंट्स आर अपसेटिंग पीपल, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। आउट ऑफ द 4 alternatives, चूज वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंसेज। वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स, तो उसे क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल कहते हैं। फिलैटेलिस्ट, जो पोस्टल स्टैम्प को करता है कलेक्ट, उसको फिलैटेलिस्ट बोलते हैं। रिच पुअर आप जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाउन, इनमें से कौन सा नाउन नहीं है? कैच नाउन है, कैच 22 सिचुएशन भी होती है। एम्बिगुअस ट्रेचरी नाउन है, प्राइस भी नाउन है, एम्बिगुअस वैसे भी दिख रहा है, एडजेक्टिव है। ठीक है, चूज द करेक्ट एडवर्ब आर प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। बी ऑल टर्नड एंड फेस द अपोजिट, बिट ऑल टर्नड अराउंड ओवर अप अलॉन्ग, तो इट इज टर्नड अराउंड। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ही अनवाइड मी एंड आई हैड टू गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड, पिंच ऑफ सॉल्ट, अ माउथ फुल ऑफ वर्ड्स, अ हैंड फुल ऑफ डस्ट, तो हमें उसे आई हैड टू गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड, स्कोल्ड करने से होता है, तो यहाँ पर यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड क्राइटेरियन? क्राइटेरियन का प्लूरल क्या है? क्राइटेरिया, क्राइटेरियन, क्राइटेरियाज, क्राइटेरियन, तो क्राइटेरिया इज द करेक्ट वर्ड, जहाँ पर ओ एन आएगा लास्ट में, जैसे फेनोमेनन है तो फेनोमेना हो जाएगा, उसको ए में चेंज कर देते हैं। यूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। यू आर ऑल स्टैंडिंग टू क्लोज टू ईच अदर, आई वॉन्ट यू टू स्टैंड आउट, टू मूव आउट, टू स्प्रेड आउट, टू स्ट्रेच आउट, तो ये स्प्रेड आउट हो जाएगा यहाँ पर। द प्लूरल ऑफ कल्डिसैक, कल्डिसैक क्या मतलब होता है? ब्लाइंड एली, बंद गली को कल्डिसैक बोलते हैं, ब्लाइंड एली, बंद गली जिसको बोलते हैं, डेड एंड जो होता है एक तरफ बंद होता है, तो द प्लूरल ऑफ कल्डिसैक का कल्डिसैका, कल्डिसैक्स, कल्डिसेसिया, कल्डिसेसियन, तो आप कुछ भी कह सकते हैं लेकिन कल्डिसैक्स ही सही है। वॉट इज द एंटोनिम फॉर वर्च्यू? बैड, हेट्रेड, वाइस, ओपननेस, तो वाइस हो जाएगा। वट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड वेरासिटी का? ट्रूथफुलनेस होता है, ट्रूथ होता है, तो ट्रूथ हो जाएगा, तो आप जानते हैं इमेंस का मतलब बहुत विशाल होता है, इमेंस प्लेजर, बहुत ज़्यादा खुशी। विच वर्ड अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेल्ट, करेक्टली स्पेल्ट, तो एक्विट में डबल टी नहीं होगा, ये गलत हो गया। सिमेट्री में ARY नहीं होता, ERY होता है, और मोमेंटो नहीं होता, मीमेंटो होता है, तो ये गलत हो गया। डाइकिरी सही है, अब डाइकिरी होता क्या है? डाइकिरी एक प्रकार की ड्रिंक होती है, वाइन होती है,
मतलब एक प्रकार का कॉकटेल होता है, तो डाइकिरी, डाइकिरी या डाइकिरी देख लीजिए, यही सही है, ऐसे भी स्पेलिंग पूछे जा सकते हैं आपसे। चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। चूज क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। द केस इज रिलेटेड टू एनजीओ एंड इट विल बी डिस्कस्ड इन मीटिंग। तो एनजीओ के पहले ए लगेगा कि एन लगेगा, तो ये एनजीओ होता है, एनजीओ तो एन हो जाएगा एन। तो द केस इज रिलेटेड टू एन एनजीओ एंड इट विल बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग, तो ये सही है हमारा। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग idiom, टू टेक अ ड्रॉप टू मच। कुछ ज़्यादा ही लेना, ला पिला दे साकिया, पैमाना पैमाने के बाद, यही सही हो गया, टू बिकम ड्रंक। तो ये तो मैं बता दे रहा हूँ, एग्जाम हॉल में आप कंफ्यूज हो सकते थे। व्हाट इज द एक्टिव वॉइस ऑफ द वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आर यू एडवाइज बाई योर पेरेंट्स, डू योर पेरेंट्स एडवाइज यू, डू यू एडवाइज योर पेरेंट्स, आर यू योर पेरेंट्स एडवाइजिंग यू, डज योर पेरेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, डू योर पेरेंट्स एडवाइज यू, आर यू एडवाइज बाई योर पेरेंट्स इज द करेक्ट वन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गर्वुलिटी। गर्वुलिटी का मतलब बकवासबाजी करने वाला, साइलेंट टॉकटिवनेस, वायलेंट नॉइजी, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा टॉकटिवनेस, लोकेशसनेस होता है, लोकेसिटी जो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ब्रेवरी, एलिगेंस, डिलाइट, अटैक। ये आप लिख के बताइए, आसान आसान भी है, टफ भी, आप मुझे लिख के बताइए बैग में, इतना आसान आप खुद हल करिए, नहीं बताऊँगा। गिव वन वर्ड फॉर अ सिनेमा शो विच इज हेल्ड इन द आफ्टरनून। कॉस्मोपोलाइट और सेंटेनेरियन, मैटनी, बीनियल, सबको मतलब बताइएगा। ये मैटनी होता है, वीनियल का मतलब भी बताएगा, वीनियल बताया गया आपको, वीनियल बताया गया, वीनियल क्या होता है ये भी बताइएगा। कॉस्मो, ये एंग्लोफाइल मीन्स क्या होता है, तो एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्मूदन, ये नहीं होता। अ फाइल और फोल्डर दैट कंटेन्स इंग्लिश वर्ड्स। वन हु एडमायर्स द इंग्लिश लैंग्वेज और ब्रिटेन, यही हमारा करेक्ट आंसर है। पाँच और है, जल्दी करो यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, बैड वर्स, ये भी आप खुद ही बताइए। बैड वर्स, वर्स, लिटिल लेसर लीस्ट, लिटिल लेस लीस्ट, टाइट मोर टाइट, मोस्ट टाइट, कौन सा आपको सही लगता है ये मुझे आंसर बताइएगा। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, ये सही है, लिटिल लेस लीस्ट, लेसर लीस्ट भी सही है, लिटिल लेस लीस्ट दोनों सही होता है, टाइट मोर टाइट, टाइट मोर टाइट नहीं होता, टाइट टाइटर टाइटेस्ट होता है, ठीक है, ये हमारा सही नहीं है। इन द सेम चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, विच फिगर ऑफ स्पीच डू यू फाइंड। इट इज एपिग्राम, एपिग्राम है। चूज द करेक्ट सफिक्स फॉर द वर्ड कावर्ड टू मेक इट अ नाउन, तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, कावर्डली, कावर्डफुल, कावर्डिस, कावर्डिंग, तो कावर्डिस नाउन बनाना है ना, एडजेक्टिव बनाना हो तो कावर्डली कर देते, नाउन बनाना है तो कावर्डिस हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड, उसे परेड कहते हैं, परेड तो है नहीं इसमें, परेड कहते हैं, परेड है नहीं तो क्या करेंगे, कैटल नहीं हो सकता, हर्ड हो जाएगा, फिर देखना चाहिए ना क्या है, हमारे आंसर बदल भी सकते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, लायन का कब, लायन के बच्चों को कब कहते हैं, डियर के बच्चों को फॉल कहते हैं, डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं, पपी बोलते हैं, केनल तो जहाँ डॉग रहता है, सीप को लैम कहते हैं, तो ये मिसमैच्ड है। तो दीज वर 125 क्वेश्चन, जस्ट डोंट फॉरगेट टू शेयर योर स्कोर। सो सब कुछ ठीक रहा तो कल है और एक क्लू मिल जाएगा, और आई एम मॉमफुली विजी जेंटलमैन, लेडीज एज वेल, थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।